सभी का एक बार फिर से स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो भैया अभी जसमेर दीदी की भी शेयरिंग हाँ है जसमीर क्या? जी को सुन लेते हैं। ठीक जसमीर दीदी नमस्ते, आप सुन पा रहे? जी, नमस्ते। जी, तो दीदी मैं आपका परिचय रख देती हूँ, फिर आप अपनी शेयरिंग को रख दीजिएगा। तो जसमीर दीदी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। दीदी ने पहला वर्कशॉप जुलाई 21 में ऑनलाइन मोड में किया, और उसके बाद दीदी वीकली मीटिंग को अटेंड कर रही हैं और वीडियो एडिटिंग टीम में भी दीदी वॉलंटियर कर रही हैं। जी दीदी, ओवर टू यू दीदी। धन्यवाद दीदी। नमस्ते नमस्ते कुमार भैया, शर्मिला दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं जसमीर कौर रंधावा आम्बेकर अपने पति श्री प्रशांत आम्बेकर के साथ नागपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरी उम्र 51 इयर्स है और मेरा एक बेटा है जो पुणे में पढ़ाई कर रहा है। मेरे सासू माँ अपने देवर और उसके परिवार के साथ गांव में रहते हैं, वहाँ खेती मुख्य व्यवसाय है। मेरी माता जी और मेरे भाई बहन के साथ अमरावती शहर में रहते हैं, नागपुर से पास ही है ये। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ और मुझे पिछले 1 साल से UHV-2 पढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैंने UHV-1 जुलाई 2021 में किया था और उस वक्त सिर्फ कंटेंट को अप्रिशिएट किया था, बट UHV-2 जो मैंने फरवरी 2023 में किया, उसके बाद मुझे कंटेंट का महत्व समझ में आया और फिर मैंने अप्रैल 2023 से मॉर्निंग मीटिंग की 7th बैच को ज्वाइन किया है। 7th बैच को मैं रेगुलर सुन पाई हूँ और 8th बैच मैंने मिस कर दिया था। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली शेयरिंग में भी रखा था कि 7th बैच के दौरान ही मेरे अपने अंदर बहुत सहजता बढ़ी थी, प्रतिक्रिया कम हो गई थी, दूसरों की जिंदगी में जो मेरा हस्तक्षेप था वो मैं देख पाई थी और उसे मैं कम करने में प्रयास भी कर पाई थी। 8th बैच में नहीं सुन पाई, 9th बैच को फिर से मैंने रेगुलरली सुना है। और ये जो भी मैं अभी शेयर कर रही हूँ ये मैंने कल बैठकर लिखा है पूरा रिकॉल करते हुए, क्योंकि मैं इसे डे टू डे सुनकर अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने करते हुए UHV के प्रपोजल्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभ्यास एक को बिंदुवार ढंग से देखना चाहूँ तो मॉर्निंग मीटिंग से जुड़ने के बाद सजगता बढ़ी है। मैं अपने अंदर चल रहे भाव विचार आशा के प्रति सजग रहती हूँ। अपने अंदर जब भी कोई प्रतिक्रिया उभरती है तो दिख जाती है, बाहर एक्सप्रेस नहीं होती है। अभ्यास एक, स्टेप दो में अपना भाव जो भी चल रहा है वो मुझे स्वीकार्य होता है और कई बार असहज लगने लगे, तकलीफ का समय हो तो फिर विचारों में बहुत उधेड़बुन होती है। विरोध का भाव अगर उत्पन्न है मेरे अंदर तो मुझे बहुत ही कड़वाहट होती है, लेकिन अभी तो विरोध का भाव बहुत कम होता है और जल्द ही सबसाइड हो जाता है। विरोध मेरे अंदर अब बहुत कम हो गया है और मैं हमेशा अपने भाव विचार के साथ आराम में होती हूँ, सुखी होती हूँ। भाव विचार का निर्णय मैं ले रही हूँ यह मुझे उतना स्पष्ट नहीं होता है, बाहर की परिस्थिति और मैं, ये दोनों ही मुझे भाव विचार के निर्णय में जिम्मेदार लगते हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति अगर मेरे अंदर श्रद्धा का भाव है तो वह बाहरी व्यक्ति भी मेरे विचार को, मेरे भाव को अफेक्ट करता है। तो जो मेरे लिए श्रद्धेय होते हैं, जिन्हें मैं श्रद्धेय के रूप में स्वीकारती हूँ, वे ही मेरे भाव विचार को अफेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज मैं अपने आप में ही रहती हूँ। पहले तो हमेशा ऐसे होता था कि मैं दूसरों में, उनके बिहेवियर में इंटेंशन को खोजती रहती थी, बट अभी स्वीकार्यता बढ़ी है, अभी मैं सहज स्वीकार कर पाती हूँ हर व्यक्ति का बिहेवियर।
भाव विचार का जो भाव विचार के निर्णय का आधार मान्यता है या सही समझ है, यह मैं नहीं देख पा रही हूँ। हम बस एक चीज दिखती है कि अपने अंदर एक अधिमूल्यन की बहुत गहरी मान्यता मेरे अंदर है, और व्यवस्था और सहअस्तित्व को समझने की दिशा में तो अभी मैं कोई प्रयास नहीं कर पाई हूँ। इसी तरह अभ्यास दो के बारे में मैं कुछ नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत कम समय बैठकर अपने शरीर से आने वाली संवेदनाओं को पढ़ा है या ध्यान दे पाई हूँ। दरअसल शरीर के प्रति मेरा हमेशा एक अलगाव रहा है। शरीर का सदुपयोग और सदुपयोग हेतु शरीर का पोषण, यह बात मुझे अभी 9th बैच के दौरान ही समझ आई है, और ये बात कितनी महत्वपूर्ण है ये भी मुझे अभी क्लैरिटी हुई है इस बात की। पर एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि UHV से पहले मुझे साइनोसाइटिस की बहुत तकलीफ रहती थी। स्मेल तो मुझे कई सालों तक नहीं आई, पिछले 6-7 महीनों से ही मुझे स्मेल आना शुरू हुआ है। साइनोसाइटिस की तकलीफ अब बिल्कुल नहीं है। इस विंटर में मुझे बिल्कुल सर्दी से कोई परेशान हुई नहीं, मुझे सर्दी कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अदरवाइज मुझे अस्थमा तक की परेशानी होती थी साइनोसाइटिस की तकलीफ को लेकर। तो ये तो एक शारीरिक व्याधि है जो UHV से जुड़कर मेरी ठीक हुई है। स्मेल नहीं थी इसलिए खाने में भी कोई रुचि नहीं रहती थी, लेकिन अब तो मैं हर चीज को बहुत मतलब समझ पाती हूँ कि ये चीज का स्वाद इस तरीके से है। अभ्यास एक के पहले 3-4 स्टेप्स के बारे में ही मुझे क्लैरिटी बनी है। 10th बैच में मैं थोड़ा विधिवत अभ्यास 1 और 2 को करने की कोशिश करूंगी। मैं वैसा प्रोग्राम बनाना बनाना चाहती हूँ, एक जर्नल बनाकर विधिवत करूँ। सुख तो अभी मुझे प्रभाव के रूप में ही दिखता है, बस शिफ्टिंग दिखती है कि इस प्रभाव की तीव्रता कम होती जा रही है। जैसे अभी मॉर्निंग न्यूज़पेपर नहीं भी आता है तो मुझे कोई असहजता नहीं होती है, बस हाँ नहीं आया है इतना मैं नोट कर पाती हूँ। और अनुकूल संवेदना जुटाने के अर्थ में मेरा कार्यक्रम बहुत कम है, शुरू से ही नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, पर संबंध को और सही समझ में मैं अभी भी संबंध की ही वरीयता को अपने जीने में देखती हूँ। संबंध ज्यादा अफेक्ट करता है मेरे डे टू डे लाइफ को। इसी तरह से मुझे अपनी मान्यताओं पर भी काम करने की जरूरत है, ताकि सहज स्वीकार्यता और कल्पनाशीलता, सहज स्वीकार्यता ही मेरी कल्पनाशीलता को चलाए। शरीर के सही पोषण के अर्थ में भी मुझे कार्यक्रम बनाना है। एक UHV को लेकर एक जो संबंधों में सहजता आई है उसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल इस तरह से रखती हूँ कि जैसे मेरे कोई संबंधी है जो किसी ऐसे कार्य में समय लगा रहे हैं जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब यहाँ पर भी मैं यही देखती हूँ कि मेरी मान्यता को स्वीकार्य नहीं है, तो मैं असहज महसूस करती हूँ, दुखी भी होती हूँ। ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी अगर वह अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं तो मैं उनकी कॉम्पिटेंस की कमी है यह कहकर खुद को समझाने में जब नाकाम रहती हूँ, अपनी तकलीफ कम नहीं हुई ऐसा पाती हूँ, तब मुझे लगता है कि यह बात मुझे भी समझनी चाहिए कि यहाँ मेरी भी कॉम्पिटेंस की कमी है जो मुझे इतनी तकलीफ दे रही है। मैं देख पाती हूँ कि मैं अधीर हो रही हूँ उनके बिहेवियर को लेके, इसलिए दुखी हो रही हूँ। तो ये जो मेरे अंदर की अधीरता है, ये मुझे अपने अंदर एक इनकॉम्पिटेंस के रूप में दिखता है। तो जब मैं इस इनकॉम्पिटेंस को देख पाई हूँ, तो फिर मैंने देखा है कि मेरे थॉट्स और जो पेन था वो बहुत कम हो गया। तो इस हिसाब से UHV के कंटेंट्स को मैं अपने अंदर होने वाले भाव विचार के साथ सहज जोड़ पाती हूँ और जीने में भी देख पाती हूँ उन चीजों को।
कमिटमेंट के बारे में कहना है तो यूएचवी के कंटेंट को पूरी तरह पूरी समग्रता में समझने के लिए पहले मुझे समय लगाना है। मैं वीडियो एडिटिंग तो करती ही हूँ और स्पेसिफिकली आरपी डेवलपमेंट के लिए भी मुझे प्रयास करना है। मॉर्निंग मीटिंग के पूरे 2 घंटे में समय लगाने का प्रोग्राम बना रही हूँ और यूएचवी की जो रीजनल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें मैं भागीदारी में प्रयासरत रहती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भागीदारी करूँ और इंस्टीट्यूट लेवल पर भी इसके लिए अनुकूलता है मेरे लिए। अंत में मैं कहूँगी कि यूएचवी परिवार से जुड़कर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को वापस पा लिया है। तो सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते। तो अभी मैं कुमार भैया से निवेदन करूंगी कि आज की जो शेयरिंग रही है भैया अपना फीडबैक दें उसके बारे में। जी, तो जसमीत जी की शेयरिंग बड़ी अच्छी रही, थोड़ा संक्षेप में उन्होंने रखा। और मैं तो कहूँगा आपकी आवाज़ को सुन के लग रहा था कि कोई बहुत ही छोटी बच्ची है, जिस तरह से आपकी आवाज़ है। तो मुझे एक बार रिक्वेस्ट भी करना पड़ा कि आप थोड़ी आवाज़ अपनी ऊंची करें। तो आप और प्रशांत भैया दीदी एक ही कॉलेज में हैं? जी भैया, अच्छा, बढ़िया दीदी। और आपने पहला वर्कशॉप कब किया था? पहला जुलाई 2021 में किया था, ऑनलाइन किया था। अच्छा, बढ़िया। तो आप वर्कशॉप भी करती रही हैं और सुबह का सत्र भी अटेंड करती रही हैं। मुझे लगता है कि एक और दो पे आपने ध्यान दिया ही है, परंतु और उसको थोड़ा इलेबोरेटली उसके ऊपर काम किया जाए तो अपने संस्कारों को और ठीक से देख पाएंगे। जो आपने उदाहरण भी दिए उसमें ऐसा लगा कि और गहरे में संस्कारों को देखने की जरूरत है, तो उनको भी हम देख पाएंगे और फिर उससे आगे बढ़ के भागीदारी भी कर पाएंगे। अभी आपकी भागीदारी के रूप में क्या हो पा रहा है? वीडियो एडिटिंग टीम में हूँ भैया, 7th बैच से जी, हूँ, 7th मॉर्निंग मीटिंग। अभी और किसी जी टीम में हैं आप जहां मेंटरिंग हो रही है? भैया, उमेश भैया की टीम में हूँ अच्छा, और बढ़िया, वहाँ मीटिंग ज्वाइन करती हूँ वेनसडे को। बहुत ही सुंदर दीदी, बढ़िया, अच्छी संभावना है आपके साथ। और फेस टू फेस वर्कशॉप में कभी आपका जाना हुआ? जी, अभी जो गोवा में वर्कशॉप हुआ स्टूडेंट्स का, उसमें मैं ऑब्जर्वर के रूप अरे में गई थी। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अनुभव रहा भैया, और वो मेरा पहला ही यूएचवी का फेस टू फेस वर्कशॉप था। इससे पहले मैंने दोनों ऑनलाइन ही किए हैं। बढ़िया दीदी। उमेश भैया का आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त है और आप अच्छे से मन भी लगा रही हैं, कॉलेज में भी अवसर बना हुआ है और बाहर निकल के वर्कशॉप भी, उसमें भी आप जा पा रही हैं। तो बस थोड़ी और तैयारी की जरूरत है। अभी वर्कशॉप्स और बढ़ने वाले हैं फेस टू फेस, तो है ना, उसमें हमें और ढेर सारे फैसिलिटेटर्स की जरूरत है। तो आप थोड़ा अपने को लगाए रखें तो अगले एक वर्ष में एक अच्छी संभावना बन जाएगी और उस पूरे क्षेत्र में जरूरत भी है। तो मेरी तरफ से थैंक ढेर सारी शुभकामना दीदी, बधाई। यू भैया। अभी पढ़ा रही हूँ मैं UHV2 जी हमारे कॉलेज में। वो एक क्रेडिट कोर्स है, 2 ब्रांचेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक मतलब एक सेमेस्टर में एक आता है, तो मैं दोनों सेमेस्टर में लास्ट ईयर तो लिया है, तो उससे भी क्लैरिटी बन रही है। बढ़िया बढ़िया दीदी। और आपके कॉलेज में अभी कितने लोग हैं? जैसे प्रशांत जी हैं, आप हैं, और कुल कितने ऐसे फैकल्टी हो गए हैं जिन्होंने कम से कम एक वर्कशॉप कर लिया है, ऑनलाइन या फेस टू फेस? हमारे यहाँ तो फेस टू फेस UHV2 हुआ था, मेरे अच्छा, उमेश भैया ही आए थे, तो सारे जो सीनियर फैकल्टी है 12 से 15 के करीब होंगे जिन्होंने UHV2 किया है फेस टू फेस, जी। और और बाकी सब इंट्रोडक्टरी, फैकल्टी का, हाँ सभी फैकल्टी का UHV1 हुआ है। हमारे प्रिंसिपल सर ने सभी से कंपलसरीली करवाया है, ऑनलाइन या फेस टू फेस किसी भी फॉर्म में हुआ है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, आपकी पूरी टीम को बधाई, बढ़िया।